नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कनुप्रिया सिंघल है और मैं यूनिसेफ उत्तर प्रदेश में हेल्थ स्पेशलिस्ट के पद पर कार्य करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रही हूँ, जो है मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन कैंपेन। अगर हम इन दो बीमारियों की बात करें, मीजल्स और रुबेला, तो मीजल्स यानी कि खसरा एक ऐसी बीमारी है जिससे कि पूरे विश्व में 5 साल तक के 135,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है प्रतिवर्ष, और इसमें से करीब करीब 49,500 बच्चों की मृत्यु सिर्फ भारतवर्ष में ही हो जाती है। और कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम के साथ हर साल पूरे विश्व में 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिससे कि बहरापन यानी कि डेफनेस, कैटरेक्ट और बहुत सारी कंजेनाइटल बीमारियां और हो जाती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने टेक्निकल पार्टनर्स के साथ ये डिसाइड किया कि पूरे देश में मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाए। उत्तर प्रदेश में ये कैंपेन 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 2 फेजेस में चलाया जाएगा। पहले फेज में 2 हफ्ते ये स्कूलों में चलाया जाएगा कैंपेन, और इसलिए मैं अपील करती हूँ प्रिंसिपल्स से और स्कूल टीचर्स से कि वे बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन में योगदान करें। उसके बाद 2 हफ्ते ये कैंपेन कम्युनिटी में और हेल्थ सेंटर्स में चलाया जाएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, PHC, CHC हों, चाहे सब सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स हों और चाहे गांव हों। उसके बाद जितने बच्चे बच जाएंगे उनको लास्ट में 1 हफ्ते में मॉपअप कैंपेन चलाया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये एक एडिशनल डोज जो वैक्सीन की है ये हर बच्चे को मिले, क्योंकि अगर हमें मीजल्स को एलिमिनेट करना है और रुबेला को कंट्रोल करना है तो हर बच्चे का वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। यूनिसेफ उत्तर प्रदेश सरकार का टेक्निकल पार्टनर है और हम बहुत ही स्ट्रांगली आपसे इस वैक्सीनेशन कैंपेन में पार्टिसिपेट करने की अपील करते हैं।